लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान एडवोकेट दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान साहब जीएनडीए गठबंधन में शामिल की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एनडीए को इससे ताकत मिलेगी और कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश में 2024 में लोकसभा की सभी सीटें एनडीए की खाते में जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कई राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हमारे नेता पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास साहब जी बेदाग छवि के कारण उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मजबूत जनाधार है जिसका फायदा सीधा भाजपा को मिलेगा और एक बार फिर देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एवं दूसरे अम्बेडकर के अधूरे सपने को माननीय चिराग पासवान जी आने वाले समय में पूर्ण निष्ठा से पूरा करेंगे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सर्वश्री राजीव पासवान एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष रामविशाल पासवान प्रदेश उपाध्यक्ष तपिस जायसवाल प्रदेश महासचिव अनिल जायसवाल प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा जिलाध्यक्ष प्रयागराज विजयपाल सरोज जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ बनवारी लाल पासवान जिलाध्यक्ष कौशाम्बी विनोद गौर नगराध्यक्ष हैदर अब्बास जेपी जायसवाल वीरेंद्र चंद्र शैलेंद्र गुप्ता निसार अहमद अजय कुशवाहा नंद कुमार सोनी ऋषिकेश तिवारी अमरनाथ मोबार राधेश्याम पासवान आदि लोग मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। तपेश जायसवाल जिला महासचिव प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। हम लोग अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि एनडीए में जिस तरह से हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी को उनके साथ मिलकर के लड़ने की घोषणा की है आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हम लोग उसको अपने पूरी तरीके से संगठित होकर के और अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो जो हमारे पार्टी का और जो हमारा ज्वाइंट मैनिफेस्टो आएगा एनडीए और हमारे साथ और किस किस पार्टी में हमें जगह किस किस क्षेत्र में किस किस जिले में हमें मौका मिलेगा प्रतिनिधित्व करने का एनडीए के साथ तो उस क्षेत्रों को हम लोग अपने पार्टी के लिए मजबूत कर रहे हैं। जिला और वार्ड लेवल और बूथ लेवल तक की संगठनों को मजबूत किया जा रहा है मीटिंग ले रहे हैं और उसको संगठित करने की कोशिश किया जा रहा है और अपने मजबूती के साथ अपनी चीज़ों को हम लोग एप्लीकेबल करेंगे जमीन जैसे हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष का डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने एक मीटिंग करके माननीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करते हुए आज एक बैठक की है जिसमें हमने उनकी जो एनडीए के साथ जो ज्वाइंट हम लोग का हुआ है लोकसभा को लेकर के उसकी हम लोग ने आज वेलकम सेरेमनी के लिए उसने यहाँ पे जी परिचय बता दीजिए। मैं तपेश जायसवाल आपका प्रदेश महासचिव यूपी जी बताएं लोकसभा चुनाव के लेकर क्या तैयारी है आपकी। तैयारी है संगठन को मजबूत कर रहे हैं लोकसभा के लिए सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं मजबूती से तैयारी हम लोग लोकसभा के लिए क्या पूरा रणनीति रहेगी किस किस क्षेत्र में रहेगा आपका कौन कौन से जिले से है आपका मतलब पूरे 75 जिले में संगठन मजबूत है जी 75 जिले में हमारा संगठन मजबूत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 सीट उत्तर प्रदेश में हमको मिले एनडीए गठबंधन के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या वजह रही है ताकि एनडीए गठबंधन हमारे नेता ने घोषणा की उसके स्वागत करने के लिए हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया कार्यकर्ताओं की एक खुशी है एनडीए से हमारा गठबंधन हो गया। परिचय बता दीजिए राजीव पासवान प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश।